आज कहे थे की पवन जी मांगे मशरूम की सब्जी बना रहे थे, मशरूम की सब्जी में कद खाएड़ा पहली बार खाएंगे बच्चे। खुशबू तो अच्छी है यार पवन जी, बहुत मजबूर है। रोटे की जरूरत ही बना, कोरी सब्जी पार दे तीन चार पहली मांगे। रोहित भी आगो बस भाई देखो सही। हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त। तो भाई लोगों, आज क्या है ना कि मारवाड़ी मस्ती का सूट है, इसलिए भाई मैं आज घर पे नहीं गया, यहीं पे हूँ। तो चाय पापा जी यहीं पे लेके आ गए थे, तो भाई चाय वाय अपन ने पी ली है। तो अभी भाई उठते हैं, सभी लोग आ गए हैं भाई यहाँ पे सूट पे, तो अपन भी उठते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं जो कल सूट पे पहन रखे थे वो वाले, और फिर सूट स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस यार, अभी मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है भाई, कल यही थी भाई मेरे पास सूट पे, तो अभी भाई सूट करेंगे अपन, वो देखो वहीं पे कर रहे हैं, तो चलते हैं। और भाई पूरे दिन चलेगा मेरे हिसाब से सूट, पता नहीं पूरे दिन चलेगा या फिर मैं कब तक फ्री हूँ। हाँ तो गाइस, अपना यहाँ का सीन तो हो गया कम्प्लीट, अभी अपन दूसरी लोकेशन पर चल रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी पास में ही है, तो वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पर है बाकी शूटिंग। हाँ तो भाई अभी जस्ट आया हूँ भाई मैं सूट से, भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया भाई, मैं तो सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा लेट हो जाएंगे। सच बताऊँ भाई 7 बज गए हैं भाई शाम के, तो भाई अंधेरा हो गया भाई एकदम। तो नहाने का तो कोई मतलब है नहीं, तो मैं मतलब एक बार हाथ मुँह धो के थोड़ा माइंड रिलैक्स कर लेता हूँ, ऐसे मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, पूरा दिन हो गया आज तो एक बार मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ और थोड़ा मतलब फ्रेश हो जाता हूँ। तो दोस्तों हाथ मुंडो दौर हो गजा पा एकदम तैयार, नायडो लाग रही हूँ लाने, हाँ मैं मतलब बनना है भी नायडो लागू जो हाथ मुंडो दो तई। तो अड़ी देखो आज रोटी का यहाँ 2 दिन तो कड़े होगा, रात खाई सुबह तो कौन खाए हो, आज भी सुबह कौन खाए हो। तो फिलहाल रोटी बन रही जाए, आज मगर रोहित भी आगो है ब्रो, रोटी वोटी बन रही है आज मांगे पवन जी आड़ा जी। नमस्कार जी। नमस्कार, आज हम बनाएंगे काका जी के घर पे रसोई। आज कहे जी की पवन जी मांगे मशरूम की सब्जी बना रहे, मशरूम की सब्जी में खाएड़ा पहली बार खाएंगे बच्चे। हाँ बच्चे क्या पूरा परिवार। हाँ। अमान तो देखो बनाओ भी को ना हो जो मशरूम की जिसु। हाँ। पवन जी आज पवन जी बनाओ ला खुद का आता सु। बिल्कुल साहब मैं ही बनाऊंगा, देखो तैयारी में लगे हुए अभी। हाँ। फिलहाल देखो ने मैं तो मिर्ची काट रही है, मिर्ची भाभी जी लहसुन काट रहे हैं, और मैं आलू छील रहा हूँ, और काकी जी रोटी बना रही है, और माता राम हमारी घी लगा रही रोटियों पे। बिल्कुल थोड़ी कहीं कहीं कर ले कि मायने मिर्ची मिर्ची है, मटर मटर है, आलू है, लहसुन है, और ये धनिया धनिया प्याज। हाँ। सब कुछ है, मतलब सब कुछ है गरम मसाला, तो मतलब मजा आ जाएगा, है मजा आ जाएगा आज। अभी देख सबकी जुकाम दूर हो जा रही आज, मतलब ज्यादा जुकाम लग रही है। मशरूम की रेसिपी, पूरी रेसिपी शेयर कर ला। हाँ। चलो तो था नहीं बताऊंगा दोस्तों, चलो आज की मशरूम की सब्जी क्या का बनाओ जी पवन जी। हाँ। एक एक स्टेप देखो, एरी मशरूम हाँ भी आप बोला जा मारवाड़ी में दो कहीं श्याप की छतरी। हाँ श्याप की छतरी बोला जा, ऐसे देख लो मशरूम भाई श्याप आलू भाई। तो फिलहाल तैयारी चाह रही है, मैं पढ़ा जा श्याप ही काल श्याप का होना कहीं श्याप तो शाला के मारे बेह बारा नहीं को निकल श्याप तो दादा श्याप भाई आप खुद ही को निकल दिया। हाँ श्याला माँ आप खुद ही रह जाए मुझे बारा को निकला जो श्याप तो का निकला ला बिलाम बढ़िया जे तो हल हो रहे जड़े थोड़ा बहुत दोस्तों डिस्टर्बेंस हो रहे जो मैंने लो दोस्तों लाइट फेर गई 7:30 बजता ही गांडी काई चक्कर हो गो। खैर कोई दिक्कत वाली बात को ना बे भी रोटी खानो जा अपन जो मतलब रसोई गंदो बे उजाड़ो चाहिए लाइट अपन कम चाहिए। अरे यार अब यार फोन डिस मारो तो वो तो ऑफिस वाला जा कर लेला बड़े वो इन्वर्टर चाहिए दिक्कत छे को ना अपन फिर भी। तो अभी सब्जी बन रही थे मशरूम की, देखा आज मशरूम की सब्जी चाकरा देखा क्या क्या लागे जे मैं तो दिखाया अच्छा कुन तो आ लाइट गए भी बना रही अंधेरा मी। अरे हाँ यार लट्टू तो जूप रही है तो दिखाऊं देगा मैं थाने भी थोड़ी बहुत रेसिपी। आज क्या खिला रहे हो हमारे को? आज हम आपको खिलाएंगे दम आलू और मशरूम की मिक्स सब्जी एक साथ। दम आलू मैं अभी दम आलू को तल रहा हूँ, आप में दम आ जाएगा सर्दी में, और आपकी सर्दी जुकाम जो भी है ना सब निकल जाएगी। अच्छा। इतनी बढ़िया मशरूम गर्म होती है और ये सर्दी में ही खाई जाती है, मतलब मशरूम की सब्जी, और गर्मी में ये मिलती भी नहीं है आपको बाजार में। और ये जो मशरूम की सब्जी है ये बड़ी पौष्टिक सब्जी होती है मतलब, और महंगी भी होती है काफ़ी मतलब, और मतलब आम जगह भी मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे जयपुर शहर में जो मंडी है उसमें भी गिनी चुनी जो सिंधियों की दुकान है वो सिंधी लोग ही रखते हैं इसको, आम सब्जी वाले भी नहीं रखते मतलब। आज सुबह से मैं इसको 2 जगह ढूंढ के आया, नहीं मिली, एक जगह मिली मेरे को, और वो ताज़ा लेके आया था। तो सुबह सुबह जब मैं गया था उसके भाव तेज़ थे,
बोला भाई साहब 50 रुपए का एक पैकेट है। मैंने कहा जी मैं 5 लूंगा। बोला कि 5 लो चाहिए एक लो। पवन जी ते मनिया बताओ अब मशरूम की सब्जी ताने बड़ा बगुण सिखायो। ये मशरूम की सब्जी मेरी मिसेज ने मेरे को बनाना सिखाया और दम आलू की सब्जी मेरे पिताजी ने बनाना सिखाया था। अच्छा बेटे करान बर्तन दो जो कपड़ा दो जो मैं पिताजी मिसेज जी सिखाया गए था। वो तो पिताजी ने ही सिखाया था बर्तन धोना कपड़े धोना मिर्ची बांटना लहसुन वगैरह जो रसोई का काम था वो पिताजी से सीखा है मिसेज से ज्यादा नहीं सीखा। मिसेज से तो ये वो चीजें सीखी है जो हमारे घर पे नहीं बनती थी जो उनको बनाना आता था। अच्छा तो मशरूम हमारे घर पे भी नहीं बनती थी कभी और ये मिसेज ने उनको सिखाया मशरूम की सब्जी कैसे बनती है। अभी सुबह जब आया था तो एक बार फिर पूछा था रात को कि भाई कैसे बनानी है तो उन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ा सा भाप लगाना मशरूम को और ये उबल जाए ना एक भाप में फिर इसको काट करके छोटे टुकड़े करके इसको काटना पड़ेगा ठंडी होने के बाद में। अभी मशरूम ठंडी हो जाए इसके बाद कटिंग होगी इसकी और मतलब एक मशरूम के 2 या 3 टुकड़े करने ज़्यादा नहीं बारीक नहीं करना है। और ये आलू है जो ये तले जा रहे हैं और जब ये आलू बिल्कुल ब्राउननेस में आ जाएंगे ना जब ये पक्के सिक जाएंगे मतलब ये तले हैं अब ये ब्राउननेस में नहीं आए जब ये ब्राउन आ जाएंगे जब समझेंगे सिक जाएंगे। तो दोस्तों ते देख रहे वाला आज पवन जी माने मशरूम की सब्जी बना खिला वाला और मैं भी मारी जिंदगी में पहली बार मशरूम की सब्जी खाऊंगा और आज तो मागा सारा घर का ही रोटी कौन गया मशरूम की सब्जी का मागा चक्कर का मायने सब गए है आधा खा लिया मन मैं भी दोबारा खा ला मन मालूम जे की मशरूम की सब्जी खा देगा एक बार भूख लाग रही जे पेट में ऊंदरा गुल्ला माची खा रहे जे पण देखो भूख दिशाई लाग रही जे पवन जी की साथ मैंने भी दिन भर से खाना नहीं खाया अभी तक। हां मैंने भी नहीं खाया मैंने सोचा नहीं खाया मुझे तो खाओ तो बेटा तो काम जमा तो करना ही पड़ेगा। हां मैं तो एक टाइम दिन में खाना खाता हूँ लेकिन आज हमारे ये जो मशरूम की सब्जी बनेगी काका जी के घर पे इसलिए मैं भी सुबह का भोजन त्याग करके भी नाइट में मैं भी करूंगा और ज्यादा हैवी नहीं हल्का फुल्का ही करूंगा। अजीत था कि मशरूम की सब्जी का चक्कर में तो आज सुबह भी रोटी कौन खाए। बिल्कुल आज आज आपको दोनों टाइम का आनंद मिलेगा मतलब दोनों टाइम को आनंद मिलेगा दोनों टाइम का आनंद मिलेगा आपको और आप खुद सोचोगे आज तो मैं सब्जी बनी है मतलब बर्तन चाट जा रहा है ऐसी सब्जी बनाएगी बर्तन चाटने वाली और मतलब बर्तन मांजने की जरूरत कौन पड़ेगी चीज क्यों चाट जा रहा था इतनी बढ़िया सब्जी बने भगवान। अरे वाह यार पवन जी फिर तो मजे आ जाएगा आप बार बार कहोगे पवन जी दोबारा कब आ रहे हो सब्जी बनाने। हाँ आपको उठा लाएंगे जब सब्जी की इच्छा होगी तभी आपको उठा लाएंगे घर से सर्दी की सर्दी में आपका किडनैप कर लाएंगे रातों रात। अरे भाई कुगड़ी और जे पेरी ले यो व्हाट्स क्राइ पेरी लिया काई दिखा रहे जे कौन है कौन था का बॉडी ओडी मत दिखा अरे बॉडी कौन मैं कहने को हाथ मुना दो है हमारे ना मेरे को यार यार बॉडी तो देख पी कर्चे बॉडी काई कौन है इन बॉडी कौन क्या तो देखो सर ये रही जाए फैट चो तो फैट चे वो ऊपर जो फैट है बाइसेप कौन है फैट चे बस अरे भाई बाइसेप पर ट्राइसेप पर सब काई कौन है देखो तो सिस्टम ये सिस्टम लेकिन और चला फिर जिम बता सुन तो हमारी बात है काई खेले जो ले यार मैं खेले खेले रोहित का ब्लॉग आ रहे देखो मत भूल जाओ पहली खेते देखो मैं तो खेदा पहली अस भाई भूल जाओ अरे भाई आता ही देख लियो ये जब बात तो पहले देख लेते डेमम गाय रोटी खा लियो तू कड़ा खा लियो चल तो फिर काई वाल दणी बनी कौन गई भाई साहब देखो बन गई। तो दोस्तों आलू आलू सी गाड़ी ने और इसके अंदर क्या क्या है इसके अंदर मसाला पड़ रहा है इसमें ये देखो मसाला पकड़ा है इसमें मटर वटर मसाला है पूरा मतलब हां खुशबू तो अच्छी आ रही है यार पवन जी खुशबू भी और अच्छी आएगी भूख भी ला रही मनी 15 मिनट लास्ट बस होगी 10 मिनट लोग बाग खा पीर सोगा तो अभी गरम मसालो हाँ गरम मसाला है गरम मसालो और डाला था देखा फेरा हो रही खुशबू तो डाल दिया दोस्तों सीखे डालू अब गहरे लाई का मायने मशरूम मिक्स कर दो इसको बस दोस्तों कागो तो सब्जी कोरी चेबा गला रही है अच्छी कतरीक बढ़िया लाग रही है बहुत मजा आ रही है रोटे की जरूरत ही बना कोरी सब्जी पार दे 3-4 पैदी। हाँ तो दोस्तों देखो फिलहाल रेडी होगी जा अपनी सब्जी और साथ में पराठा तो देखा खाओ हजार बताओ जो देखा सब्जी क्या गई बड़ी कागा तो बढ़िया ही लगी थी कागो दोबारा कोरी खरीदो एक बात बता सुबह सुबह सफर कर रहे थे आप
कि ये मशरूम की सब्जी खावला मशरूम की सब्जी खावला अत्री सबर करे जा तो भाई लोगो दान मालूम जे सबर को पर तो मीठो ही बचे तो सब्जी का मायने मजवा को एक ही नंबर परांठा बनाए जे पवन जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो पवन जी के जरिए मैंने मशरूम की सब्जी खावा को सौभाग्य प्राप्त हुई हो नहीं तो गांडी खाता कौन खाता आप तो जाने ही कौन जा मशरूम की सब्जी।